गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, बहुत दिन से आप लोग से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। अप्रॉक्स आई थिंक 1 वीक हो गया। और उसका रीज़न ये था कि मेरे पास लैपटॉप ही नहीं था। बिना लैपटॉप के ना वीडियो एडिट कर सकते हैं, ना ही डाउट लेक्चर ले सकते हैं, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास सुन सकते हैं। सब कुछ ऐसे पेंडिंग पेंडिंग चल रहा था अप्रॉक्स 1 वीक। तो बहुत टेंशन हुआ, लेकिन आज फाइनली मैंने एक लैपटॉप ले लिया है, तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ और मैंने उसको चला के भी देखा। अब आपको उसका रिव्यू भी देने जा रहा हूँ, रिव्यू भी देखिए। और साथ ही साथ लैपटॉप अगर आपको अच्छा लगे और आप भी खरीदने वाले हैं तो उसको ले सकते हैं, क्योंकि फाइनली मैं उसको 2-3 घंटे चलाया, उसके बाद ये वीडियो बना के आप तक पहुंचा रहा हूँ कि भाई अच्छा है कि नहीं। पहले मैंने सोचा चेक कर लूँ, और मुझे चेक करने के बाद अच्छा लगा, इसलिए आपको सजेस्ट करने के लिए भी जा रहा हूँ। तो चलिए आज मैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करता हूँ। मैं अनबॉक्सिंग जल्दी करता नहीं, बट एक्साइटमेंट है क्योंकि न्यू लैपटॉप है और काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, HP का पवेलियन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, देखिए उसको, मजे करिए। मुझे ज़्यादा अनबॉक्सिंग आती नहीं, उल्टा सीधा जो होगा मैनेज कर लेना, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मैं सही से बता दूंगा भाई क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा लैपटॉप मैंने लिया। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि इसको लेना है मुझे। मेरे को चाकू नहीं मिला, नहीं मिला, तो मैंने चाकू से ही अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दिया। और जल्दी अभी देखते कैसा है मेरा लैपटॉप। मैं इसको 3 दिन से ऑर्डर किया था, तो वेट कर रहा था कि जल्दी आए जल्दी आए। सारे काम स्टॉप थे, तो मैंने कहा जल्दी आ जाओ आ जाओ। आ गया आज फाइनली। ओह माय गॉड, एक के अंदर एक और अनबॉक्सिंग। यो, ये HP की अनबॉक्सिंग आ गई। इसको भी शायद इधर से ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे वैसे इसको ओपन करके तब आपको दिखाता हूँ। ये ओपन हो गया है, बस ये लास्ट ओपन था, मैंने कहा आपको दिखाते हैं। ये HP का पवेलियन सीरीज है। ओहो, बेटा ओपन कर रहा हूँ। पवेलियन सीरीज है और ये गेमिंग लैपटॉप है, क्योंकि हम लोग को रेंडरिंग वर्क करना होता है, तो रेंडरिंग वर्क के लिए गेमिंग लैपटॉप हमेशा अच्छे होते हैं। ओपन हो रहा फर्स्ट टाइम अपना लैपटॉप। कैसे कुछ भी नया आता है, खासतौर से वो चीज़ें जो आपको पसंद हो, तो एकदम हैप्पी हो जाता है माहौल। मैं बहुत ही इमोशनल भी हो गया हूँ और हैप्पी तो हुई, क्योंकि कौन फेवरेट लैपटॉप से एक है। जैसे आप न्यू लैपटॉप लेते हो तो सबसे पहले पूछता है रीजन, उसके बाद पूछता है आपका लैंग्वेज इस तरीके से। कीबोर्ड लेआउट चाहिए? मैंने करनी है अभी नहीं, बाद में सब सेट करेंगे। और जस्ट अ मोमेंट, इस तरीके से अभी जो मेरा इंटरनेट है, मैं चाहूँ तो ऑन कर सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ आई डोंट हैव इंटरनेट कर देता हूँ। जस्ट सो यू नो, कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क नाउ कैन सेव यू सम टाइम लेटर। इफ यू वांट टू गेट दैट आउट ऑफ द वे, चूज यस। अभी इसको हम नहीं ऑन करेंगे, अनलॉक फीचर वगैरह इसे बाद में करेंगे, पहले मुझे इसको ओपन करना है। गाइस, सबसे ज्यादा मुझे लैपटॉप की स्क्रीन और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगा। और इसके सिस्टम की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये लैपटॉप जो है HP पवेलियन गेमिंग लैपटॉप है, क्योंकि हमारा जो काम है सारा किस पे है, सारा रेंडरिंग वर्क है, तो रेंडरिंग वर्क गेमिंग लैपटॉप में बहुत अच्छे से हो जाता है। मैं आप सबको इसलिए सजेस्ट भी करता हूँ कि गेमिंग लैपटॉप ही लीजिए, तो अच्छा चलता है खासतौर से रेंडरिंग के लिए। इसमें 16 GB रैम है और ये AMD का, यहाँ पर Ryzen 7 है और प्रोसेसर। और साथ ही साथ इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें NVIDIA का एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड है, तो 4 GB NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है और 2 GB इसका खुद का है, ठीक है, जो इनबिल्ड है इसके अंदर। और साथ ही साथ 16 GB रैम है, तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन एकदम मस्त है। और ये राइजन 7 एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो ये बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग के हाई लेवल के सॉफ्टवेयर के लिए, तो इसको ले सकते हो। अप्रॉक्स इसका जो प्राइस था वो 81,000 था, तो उस तरीके से आप इसको, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट चल रहा है। इसकी स्पीड वगैरह सब कुछ मुझे अच्छी लगी और हमने इसको चेक करके भी देखा, सारा कुछ परफॉर्मेंस देखा इसका, बेस्ट है अभी देखिए। और साथ ही साथ हाँ, एक और अच्छी चीज़ इसमें है, इसमें 250 GB आई थिंक SSD है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर SSD है और SSD 1 TB है। तो ये क्या होगा कि जैसे जो हम लोग को डाटा है, हम लोग डाटा को SSD में रख लेंगे और SSD में सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे। ऑलरेडी कंपनी ने, मैंने ऑनलाइन लिया था और ऑनलाइन बेस्ट रहता है, क्योंकि ऑफलाइन ये लैपटॉप अप्रॉक्स 96,000 का मिल रहा था मार्केट में,
तो बेटर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन ले लेना। तो इसमें देखिए 237 GB आपका ये क्या है पूरा, ये SSD के लिए है, तो वो सारा जो सॉफ्टवेयर का काम होगा वो SSD में चलेगा, ठीक है, जो हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऑटोकैड, रैबिट, लूमियन जो भी है। और जो स्टोरेज के लिए है वो ये 1 TB अलग से दे दिया है, तो आराम से यहाँ पर स्टोरेज पर्याप्त स्टोरेज के लिए है, तो इसके भी मतलब स्टोरेज का भी इशू नहीं रहेगा अपने को। तो लैपटॉप मुझे अच्छा लगा, आप लोग भी ले सकते हो अगर आप लोगों को लगे तो, और साथ ही साथ अगर किसी के पास होगा तो नीचे कमेंट करना कि उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अभी 2-3 घंटे का हुआ है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया होगा तो कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और साथ ही साथ आप रेगुलर वीडियोज आएंगे क्योंकि अब प्रॉब्लम जो थी लगभग लगभग मैंने सारे रिजॉल्व कर लिए। और आपको लैपटॉप कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ आपके पास कौन सा है और उसका परफॉर्मेंस अगर आपको शेयर करना है तो शेयर जरूर करना। उससे क्या होगा कि जो दूसरे लोग लेने वाले होंगे उनको बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ यार ये लोग चला रहे हैं इस सिस्टम को और ये अच्छा चल रहा है, मतलब इसको हम ले सकते हैं। तो कमेंट करोगे तो दूसरों का भला हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। कल से रेगुलर वीडियोस हमारी आती जाएंगी।